फिर आपकी कोचिंग के थ्रू मुझे ये पता लगा किस चीज में मैं वीक हूँ, तो उस चीज पे मैंने और काम किया। तो मैं यही चीज सोच रही थी कि मतलब काफी कंटेंट एज इंग्लिश का सिलेबस बहुत ज्यादा लेंथी है, तो मैं बहुत ज्यादा वो सोचती थी कि कैसे मैं कवर कर पाऊंगी, लेकिन फिर भी मैंने कोशिश की। तो आपकी उस कोचिंग के थ्रू मैंने एक स्पेसिफिकली बनाया कि किस सब्जेक्ट को मुझे कितना टाइम दे, किस यूनिट को मैं कितना टाइम दूं, तो उस हिसाब से मुझे मोटिवेटिंग लगा। क्योंकि मैंने गूगल पे भी काफी रिसर्च किया, मतलब ज्यादातर चीजें मैंने खुद सेल्फ नोट्स बनाए अपने, सारे मैंने पेपर सॉल्व किए हैं, खुद से किए हैं सारे सॉल्व। तो मैं कई सारी चीजें देखती थी कि कई सारी बुक्स हैं या थ्योरीज है जिनके बारे में ज्यादा डिटेल्स नहीं मिलता था। तो मैं यही सोचती थी कि मतलब जैसे बहुत रिनोन राइटर्स के आपको बहुत सारा मटेरियल मिलेगा, उसका कोई जैसे जो बहुत लेस वो रखे हुए हैं जिनका इतना कोई वो है नहीं, तो उनके बारे में आपको डिटेल नहीं मिल रहा था, उनके वर्क्स भी नहीं मिल रहे थे। और क्वेश्चंस ऐसे थे कि मतलब यूजीसी नेट का सिलेबस तो इतना लेंथी है कि वो क्वेश्चंस कहीं से भी आपको दे सकते हैं, आपको भी नहीं पता कि कहाँ से मिलेंगे। वो रिनोट देते हैं कभी, वो बिल्कुल नहीं देते हैं, बिल्कुल लेस इंपॉर्टेंट चीज होती है तो वो भी आ जाती है, कर देते हैं फोकस बिल्कुल, हमें चीजें होती है। तो आपके कोर्स में ये था, मुझे तो स्पेशली हेल्पफुल यही लगा कि इसमें मुझे सारी चीजें मिली कि इम्पोर्टेंट जो है आपको वो भी करने होते हैं, जो आपको लेस इम्पोर्टेंट होते तो, लेकिन उनके लिए आपको क्या चीजें करनी है और कितनी करनी है, कितनी करनी, व्हाट टू स्टडी, हाउ मच टू स्टडी एंड व्हाट टू स्किप। यस, तो मैम वो चीजें मुझे यहाँ पे काफी हेल्पफुल लगी। Hi Roshan. Hello ma'am. Good morning. Good afternoon. Good afternoon. How are you? I'm fine. Firstly, a big congratulations on clearing net. Just wanted to let you know that you made all of us proud. So thank you so much for being a part of ArpitaKarwa.com and making this possible. Thank you so much, ma'am. So we have a bunch of questions for you. Firstly, thanks to you too. Thank you. We have a bunch of questions for you. Would not let you go before 30 minutes. So I have like a lot of, I have a lot of questions which I want to ask you. And I want to get insights about how did you plan your preparation. And I want you to also recollect all the experiences that you had in the past few months of your preparation and share that with us. I'm sure that a lot of students who are going to watch this video are going to get benefited from it and will take inspiration from your journey as well. Actually, I'm preparing for NET about 2 or 3 years. 2-3 years. So yeah. So I think that even becomes more significant because, you know, that perseverance, that consistency that is required and not feeling demotivated is something that we all must learn from your story. I have done my completed my MA in 2020. And after that, I started my coaching related to NET. And while checking for stuff and more things, I gone through your coaching and tell my, actually my teachers were so supportive for me. Wow, that is wonderful. So, मुझे थोड़ा सा मतलब सबसे पहले तो मतलब I want to know about you कि आप कहाँ से हैं, आपने कब क्या पढ़ाई करी है, and then फिर we'll dive and we'll see कि आपकी जर्नी कैसी रही। Basically, I'm from Ajmer only. Okay. And I completed my college from here only and post graduation also here. अच्छा, ओके, तो आपने हमेशा से अजमेर से ही सारी पढ़ाई करी है, ओके, एंड मतलब मुझे ये भी बताएं आपका कि आपने जब प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी तो मतलब किस चीज ने आपको इंस्पायर किया कि आपको यूजीसी नेट देना है और आपको लेक्चरर का करियर परस्यू करना है। मैम मैं ना एक्चुअली स्टार्टिंग से मेरा यही ड्रीम था कि मैं टीचर ही बनना चाहती हूँ, तो मैंने स्टार्टिंग से इसी पे काम करना शुरू किया। मैं कॉलेज में गई तो फिर मेरे टीचर्स बहुत सपोर्टिव थे वहाँ पे, ग्रेजुएशन के दौरान भी काफी सारे मेरे जो इंग्लिश के टीचर्स थे काफी सपोर्टिव रहे वो मेरे लिए, तो उन्होंने ऐसा बताया कि मतलब आप इसके लिए क्या क्या कर सकते हैं, तो उन्होंने मुझे सजेस्ट किया
आप नेट एग्जाम दे सकते हैं, उसके थ्रू आप इसमें लग सकते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर, या आप कॉलेज यूनिवर्सिटी जिसमें भी आप जॉब करना चाहें, तो वो आपको एक करियर का स्टार्टिंग पॉइंट वही है, वहीं से मिलता है। बिल्कुल बिल्कुल। सो जैसे आप अजमेर से हैं, अजमेर एक बहुत बड़ा टाउन नहीं है, तो क्या चैलेंजेस आपको आए वहां से पढ़ के नेट में? कह रहे हैं आप कि कोचिंग, एक्चुअली यहाँ पे कोचिंग कोई अवेलेबल नहीं है स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स वाइज, और नेट और ऐसे जैसे स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स हैं कि इंग्लिश है या ऐसा है, तो नेट में आप जनरल पेपर का जरूर आप कहीं भी किसी कोचिंग से पढ़ सकते हैं, बट नेट का सिलेबस काफी डिफरेंट हो जाता है, तो यहाँ पे इजीली इतना नहीं हो पाया। दैट्स व्हाई मुझे काफी स्ट्रगल करना पड़ा इस चीज के लिए कि पहले मैं कहाँ से मटेरियल ढूंढूं, मुझे कुछ समझ नहीं। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरी ग्रेजुएशन में जो टीचर्स थी वो बहुत सपोर्टिव थी, उन्होंने मेरा काफी सपोर्ट किया, उन्होंने मुझे काफी सजेशंस भी दिए और काफी सारी चीजें उन्होंने मुझे क्लियर भी की। फर्स्ट ऑफ ऑल बेसिकली आपके पास आने से पहले मैं उन्हीं से सारा गाइडेंस ली थी। वंडरफुल। सो आपको क्यों, जैसे नीड क्यों फील हुई कि आपको कोई कोचिंग ज्वाइन करनी चाहिए, मतलब आपको क्यों लगा कि मतलब आप सेल्फ स्टडी से वो नहीं कर पा रहे हैं पूरा, जो सेल्फ स्टडी आपने इनिशियली किया उसमें क्या चैलेंजेस आए? मैम एक्चुअली सेल्फ स्टडीज काफी हद तक मुझे सपोर्ट कर रही थी, बट एक वो होता है ना प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिलता आपको, प्रॉपर आपके पास कंटेंट है, कंटेंट बहुत मैटर में है, लेकिन आपको ये नहीं पता कि मतलब क्या चीज आपको कितनी पढ़नी है। राइट राइट। तो वो चीज जो है वो आपकी कोचिंग के थ्रू ही, जब मैंने आपका वेबसाइट ओपन किया तब मुझे वहां पे पता लगा कि मतलब आपने बहुत ही अच्छे से इसको सिलेबस को मतलब एक कंटेंट वाइज आपने डाल रखा है कि है ना किस यूनिट में आपको कितना पढ़ना है और क्या चीज आपको पढ़नी पड़ेगी। इनिशियली सबसे पहले मुझे वहां से बहुत हेल्प मिली कि मुझे पता लगा कि डिफरेंशिएट कर पाई मैं कि क्या क्या चीजें मेरे लिए इंपॉर्टेंट है और क्या मुझे नहीं करना है, बिकॉज जब स्टार्ट मैंने किया था तो मुझे इतना नहीं पता था, ऑनेस्टली मैं ज्यादा नहीं जानती थी, तो मैं यही सोचती थी कि मतलब का राइटर्स है या वर्क्स है उनके बारे में से काफी कुछ मतलब डिटेल स्टडी मुझे करनी पड़ेगी, मुझे कुछ समझ नहीं आया था उस वक्त। जब मैं उस कंटेंट के थ्रू गई आपका वेबसाइट पर तब मुझे पता लगा कि अच्छा है यहाँ पर इन्होंने सब कुछ अलग अलग करके बताया है कि इसमें आपको ये करना है, इसमें आपको ये करना है, बॉस था वो तो मुझे बहुत हेल्प मिली, स्टार्टिंग मेरी वहीं से हुई तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं फिर मैंने जब स्टार्ट किया पढ़ाई करना तो फिर मुझे लगा कि मैं सारी चीजें कवर नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि क्या है कि राइटर्स बहुत सारे थे उसके अंदर, वर्क्स काफी सारे हैं, कुछ इम्पोर्टेंट है कुछ नहीं भी होते हैं, मतलब जिसमें किसी से बहुत कम आता है किसी से बहुत ज्यादा, तो वही चीजें मैं कवर नहीं कर पा रही थी। तो फिर मुझे सजेस्ट किया कि क्योंकि ऑब्वियसली कॉलेज लाइफ ऐसी है तो वो भी काफी बिजी रहते थे, तो दैट्स वाई वो पूरा हेल्प मुझे भी नहीं कर पा रहे थे, तो फिर मुझे लगा कि कहीं सेल्फ स्टडी में कर रही हूँ, उन्होंने मुझे गाइड किया, लेकिन फिर भी एक जरूरत थी कि कुछ और चीजें मुझे मिले तो मैं एक बार को सब क्लैरिफाई कर सकूं करके आपको हो जाए। और आपने कितने अटेम्प्ट्स दिए हैं नेट के अभी तक? मैंने मैम 3-4 अटेम्प्ट्स दिए। 3-4 अटेम्प्ट्स, तो मतलब जैसे 4 अटेम्प्ट्स आपने जब दिए, तो जब कोई अटेम्प्ट में नहीं हो पाता था तो फिर वो जो फेलियर का एक फीलिंग होता है उससे आप वापस निकल के वापस मोटिवेशन कैसे रिगेन करते थे कि नहीं आप पढ़ना है वापस से नेक्स्ट अटेम्प्ट के लिए? गॉड्स ग्रेस, बाय गॉड्स ग्रेस मैं मोटिवेटेड हमेशा से थी, ऐसा मुझे कभी ज्यादा, मेरी फैमिली भी मुझे काफी सपोर्ट किया, मेरे पापा स्पेशली बहुत सपोर्टिव हैं इस मामले में, काफी मुझे सपोर्ट, मेंटल इमोशनल सब सपोर्ट दिया कि नहीं कोई बात नहीं है, पहली बार नहीं हुआ तो नेक्स्ट टाइम हो जाएगा, आपको आपने किया है तो मेरी परसेंटेजेस बाय अटेम्प्ट इंक्रीज हो रही थी। मतलब तो वो भी एक मोटिवेटिंग फैक्टर था आपके लिए। डिक्रीमेंट नहीं हुआ तो मुझे इस बात का था कि थोड़ा सा किया है तो ये थोड़ा और चीजें हैं, फिर आपकी कोचिंग के थ्रू मुझे ये पता लगा किस चीज में मैं वीक हूँ तो उस चीज पे मैंने और काम किया, तो मैं यही चीज सोच रही थी कि मतलब काफी कंटेंट इंग्लिश का सिलेबस बहुत ज्यादा लेंदी है तो मैं बहुत ज्यादा वो सोचती थी कि कैसे मैं कवर कर पाऊंगी, लेकिन फिर भी मैंने कोशिश की, तो आपकी उस कोचिंग के थ्रू मैंने एक स्पेसिफिकली बनाया कि इस सब्जेक्ट को मुझे कितना टाइम दे, किस यूनिट को मैं कितना टाइम दूं, तो उस हिसाब से मुझे मोटिवेटिंग लगा। सो अभी जो आपका लास्ट अटेम्प्ट रहा उसमें आपने कोई पोर्शन सिलेबस का कोई ऐसा पोर्शन था जिसको आपने छोड़ा या आपने सब कुछ ही कवर करके गए थे इस बार? एक्चुअली मैंने आपकी कोचिंग दी थी लास्ट ईयर, तो लास्ट ईयर मैं जैन में लिया था मैंने और जून का एग्जाम था, उसमें मेरे अच्छे बनी चीजें, तो फिर मैंने काफी सारी चीजें दी, लेकिन ये था कि यूनिट वाइज जैसे मैं लास्ट ईयर के पेपर्स ऑलरेडी कर रही थी, पर इस बार क्या हुआ कि इस बार सिलेबस पैटर्न चेंज होकर आया, जो हम पढ़ रहे थे मतलब जैसे यूजुअली जो मैं इतने सालों से मैं दे रही हूँ उसमें काफी मतलब इतना लेंथी पोस्ट कोलोनियल से बहुत था, क्वेश्चंस भी आए थोड़े अलग अलग यूनिट से उठ के आए,
तो मैं जाकर भी थे कि आप पढ़ोगे समझोगे तभी आपको समझ आएगा। तो स्टार्टिंग से इनिशियली जो मेरी प्रैक्टिस थी वो मुझे एक्चुअली मुझे लगा कि इस साल वो मेरे काम आई, क्योंकि बहुत डेफिनेशन आए तो मैं क्वेश्चन, क्योंकि मैं थ्योरीज और ये सब पढ़ रही थी तो आपके लेक्चर्स मुझे काफी वो करे तो मैं समझ रही थी, बट एक्चुअली जो टू द पॉइंट क्वेश्चन आते थे उसमें आपको जरूर कंफ्यूजन हो जाता है कि मतलब आप पता नहीं कर पाते हो कि मतलब ये वाला करेक्ट ऑप्शन है ये वाला है, आपको मतलब सब कुछ सिमिलर सिमिलर वर्क्स के नाम होते हैं लगता है, बिल्कुल तो वो आपको लगता है। तो इसीलिए मैंने डेप्थ स्टडी जो करी थी वो मुझे बहुत काम आई इस बार, और आपके जो आपने जो समझाया है थ्योरीज के अंदर क्रिटिसिज्म के अंदर जो आपने डेप्थ में पढ़वाया है वो बहुत ही अच्छा मुझे हेल्प किया वो मिला आपको। चलिए बहुत ही बढ़िया, आई एम वेरी हैप्पी कि हम लोगों के सपोर्ट से आप नेट क्लियर कर पाए। सबसे इम्पोर्टेंट यूनिट्स आपके हिसाब से क्या है पेपर टू में, क्योंकि पेपर टू में तो सिलेबस ही इन लोगों ने जो यूजीसी ने प्रिस्क्राइब किया है वो बहुत डिटेल्ड है नहीं, तो आपने जितना भी अभी तक के पास्ट ईयर पेपर्स को भी एनालाइज किया है तो क्या मोस्ट इम्पोर्टेंट कौन से टॉपिक्स हैं? मैं एक्चुअली ब्रिटिश लिटरेचर में से काफी कुछ आता है, ज्यादातर चीजें ब्रिटिश, मतलब मैं ऐसा सोचती हूँ कि मतलब जितने मैंने 3-4 अटेम्प्ट दिए हैं उसमें ये ज्यादातर क्रोनोलॉजी के क्वेश्चंस देते हैं, या फिर ऐसा होता है कि जैसे मैच द फॉलोइंग्स होते हैं तो उसमें बुक्स एंड वर्क्स मैच करना पड़ता है, तो मतलब आपको बुक्स और एटलीस्ट राइटर और बुक्स आपको इनका कनेक्शन बिठाना वो जरूरी है। आपको ये पता होना चाहिए कि आपको कौन से राइटर की कौन सी बुक है या फिर उसने कौन कौन सी इंपॉर्टेंट चीजें लिखी हैं। लाइफ रिलेटिंग क्वेश्चंस बहुत कम आते हैं, वो नहीं आते हैं। लिटरेरी टर्म वाला जो यूनिट है वो मैंने काफी अच्छे से किया, बट उसमें से बहुत लिमिट में ही क्वेश्चन आते हैं, क्या दो क्वेश्चन ही आते हैं। जी जी ओके, एंड कौन से स्पेसिफिक टॉपिक्स है जो आपको पेपर टू में स्पेसिफिकली चैलेंजिंग लगे और किस तरह से फिर आपने उसकी प्रिपरेशन करी? जी मैम, चैलेंजिंग के तौर पे देखो तो मुझे क्रिटिसिज्म में बहुत दिक्कत आई थी, क्योंकि क्रिटिसिज्म में ऐसा था कि मतलब जैसे किसी ने कुछ लिखा है किसी टॉपिक के बारे में तो वो एक ही टॉपिक में से उन्होंने काफी सारी थ्योरीज दी हैं और काफी सारी वो दी हैं, तो उनको समझने में बहुत कंफ्यूजिंग बहुत हो जाता था कि मतलब ये वाली चीज पढ़े या वो वाली चीज पढ़े। फिर मैं कई बार ऐसा होता कि मतलब माइंड डाइवर्ट हो जाता है तो पता नहीं लगता कि ये थ्योरी उस राइटर की थी, तो मैं उसमें बहुत कंफ्यूज हुई। टेक्नोलॉजी वो सब चीजें अच्छी थी, कुछ ऐसी यूनिट भी थी इजीली कर पाया। तो लिटरेरी थ्योरी को जैसे बहुत चैलेंजिंग टॉपिक माना जाता है, यूजीसी नेट एस्पिरेंट्स मोस्टली यही कहते हैं कि सबसे चैलेंजिंग थ्योरी है, उसको आपने किस तरह से अप्रोच किया, कैसे प्रिपेयर किया, उसकी तैयारी आपने कैसे करी? थ्योरी का एक्चुअली जब मैंने प्रैक्टिस स्टार्ट की थी स्टार्टिंग में तब मैंने सारा डिटेल निकाला था। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने कुछ नहीं किया, सिर्फ डिटेल निकाला था थ्योरीज का, मतलब कि कहाँ से स्टार्ट हुई है ये, क्या चीजें इनका बैकग्राउंड रहा है, वो सब चीजें। तो जब मैंने इनिशियली वो सब स्टार्ट किया तो मैंने सबसे पहले इनका मैटर ही निकाला, और मेरी जो टीचर थी उन्होंने मुझे काफी हेल्प किया उनका बेस समझने के लिए। तो मतलब किसी भी थ्योरी को बनाने के लिए मतलब एक इंट्रोडक्शन लगता है, कुछ बेस होता है उसका कि किस बेस पे ये बनी हुई है। तो पहले सही बात है, जैसे मार्क्सिज्म है तो वो पूरा इकोनॉमिक्स का बेस उसमें आ जाता है, बेस सुपर स्ट्रक्चर वो सब हम पढ़ते हैं उसमें। जैसे थ्योरीज है फेमिनिज्म है तो फेमिनिज्म कैसे डेवलप हुआ, एक्चुअली फेमिनिज्म का मीनिंग क्या होता है, या फिर ये सब होता है न्यू क्रिटिसिज्म कब आया, या रीडर रिस्पॉन्स है जैसे वो न्यू है अभी, तो ये सब एरा वाइज ही डिपेंड करते हैं। तो हम जैसे हिस्ट्री में पढ़ते हैं कि हम जैसे कोई एरा परफेक्टली है कि हम उस एरा के बारे में हमें ये सब चीजें हुई हैं, तो उससे आपको काफी बेस क्लियर हो जाता है कि जिस टाइम पे बैकग्राउंड आपको पता है तो आप उस हिसाब से आइडिया लगा सकते हो कि है ना इस टाइम पे ये चीज हुई होगी, इसीलिए ये थ्योरी का डेवलपमेंट हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल, तो जैसे थ्योरी एक ऐसा टॉपिक है जो मास्टर्स में ज्यादा पढ़ाया नहीं जाता है मास्टर्स में तो लेकिन थ्योरी को छोड़ के अगर हम बाकी मास्टर्स का सिलेबस देखें तो कई बच्चे बोलते हैं कि भाई मास्टर्स एंड बैचलर्स में जो पढ़ाया है अगर हम वही कवर करके चले जाते हैं तो हम नेट क्लियर कर लेंगे, आपका इस चीज पे क्या मानना है? एक्चुअली ये है ना कि जैसे हर यूनिवर्सिटी का सिलेबस अलग अलग, तो एमए में जैसे हमारा सिलेबस अलग है वहीं आप उदयपुर की यूनिवर्सिटी का सिलेबस थोड़ा सा डिफरेंट पड़ जाता है, तो मतलब कुछ इंक्लूड हो पाते हैं और कुछ नहीं हो पाते हैं। तो सिर्फ एमए और बीए के बेस पे हम नहीं क्लियर कर सकते हैं, क्योंकि स्पेसिफिक गाइडेंस होना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप किस तरह नहीं कर पाते हो। जैसे हमारी यूनिवर्सिटी, मैं बेसिकली महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी से हूँ, तो हमारे 3 पेपर ऑप्शनल होते हैं जिसमें से आपको सिर्फ एक ही चूज करना होता है। तो मैं एक पेपर हम एग्जाम के तौर पे कर लेते हैं कि हमें वही चीज करनी है, पर जो लेफ्ट आउट जो 2 पेपर रह गए होते हैं वो भी इम्पोर्टेंट होते हैं, से भी तो आते हैं। राइट राइट, क्वेश्चन आते हैं तो हम सिर्फ बीए और एमए की डिग्री के हिसाब से नहीं कर पाते हैं सब चीजें। सही बात है करनी पड़ेगी स्पेसिफिकली, जो टॉपिक्स आते हैं वो तो ऑल ओवर कवर होके आते हैं, तो आप सिर्फ उस पे नहीं कर सकते हो,
उस सिर्फ मास्टर्स के सिलेबस पे रिलाई करके नेट क्लियर नहीं कर सकते, आपको एक्स्ट्रा तो बहुत सारी चीजें हैं जो पढ़नी पड़ी जी, बल्कि कई बार ऐसा रिसर्च है, मेथडोलॉजी है, ये सब चीजें हैं तो वो हम एमए में नहीं पढ़ते हैं। मुझे कोई नॉलेज नहीं था इस बारे में कि नेट में ये आएगा। जैसे इंग्लिश के लिटरेचर है तो इंग्लिश लिटरेचर बेसिकली जो कनेक्ट करते हैं वो ब्रिटिश से ही कनेक्ट करते हैं। हिंदी में जो लिटरेचर है वो भी उसमें इतना इंक्लूडेड नहीं है, और ऑल ओवर वर्ल्ड लिटरेचर भी उसमें इतना इंक्लूडेड नहीं होता है। नहीं होता है बिल्कुल। वही आती हैं जो मतलब जिनको फेम मिला हो, जिनको नाम मिला हो, या जिनकी स्टोरी लाइन थोड़ी अच्छी हो, जो कहीं ना कहीं हम मास्टर्स में पढ़ते हुए अगर हमारे सिलेबस में भी होती है तो वो पेपर हम चूज नहीं करते, जिस वजह से वो टॉपिक्स हमने कभी पढ़े ही नहीं होते हैं। जी। बिल्कुल। एंड जैसे हमारे कोर्स में जब आपने एनरोल किया तो उससे क्या बेनिफिट लगा आपको कि यूजीसी नेट की आपकी जर्नी में क्या क्या एडिशनल आपको हेल्प मिला? मैम एडिशनल तौर पे मैं देखूँ तो जैसे मुझे कई सारी चीज़ों का मैटर मुझे नहीं मिल रहा, क्योंकि मैंने गूगल पे भी काफ़ी रिसर्च किया, मतलब ज़्यादातर चीज़ें मैंने खुद सेल्फ नोट्स बनाए अपने, सारे मैंने पेपर सॉल्व किए हैं, खुद से किए हैं सारे सॉल्व, तो मैं कई सारी चीज़ें देखती थी कि कई सारी बुक्स हैं या थ्योरीज हैं जिनके बारे में ज़्यादा डिटेल्स नहीं मिलता था। तो मैं यही सोचती थी कि मतलब जैसे बहुत रिनोन्ड राइटर्स के आपको बहुत सारा मटेरियल मिलेगा उसका, तो जैसे जो बहुत लेस वो रखे हुए हैं जिनका इतना कोई वो है नहीं, तो उनके बारे में आपको डिटेल नहीं मिल रहा था, उनके वर्क्स भी नहीं मिल रहे थे, और क्वेश्चंस ऐसे थे कि मतलब यूजीसी नेट का सिलेबस तो इतना लेंथी है कि वो क्वेश्चंस कहीं से भी आपको दे सकते हैं, आपको भी नहीं पता कि कहाँ से मिलेंगे। आपको रिनोट देते हैं कभी, वो बिल्कुल नहीं देते हैं, बिल्कुल लेस इंपॉर्टेंट चीजें होती है तो वो भी आ जाती है, कर देते हैं फोकस, बिल्कुल हमें चीजें होती है। तो आपके कोर्स में ये था, मुझे तो स्पेशली हेल्पफुल यही लगा कि इसमें मुझे सारी चीजें मिली कि इम्पोर्टेंट जो है आपको वो भी करने होते हैं, जो आपको लेस इम्पोर्टेंट होते हैं तो, लेकिन उनके लिए आपको क्या चीजें करनी है और कितनी करनी है, व्हाट टू स्टडी, हाउ मच टू स्टडी एंड व्हाट टू स्किप। यस, तो मैम वो चीजें मुझे यहाँ पे काफी हेल्पफुल लगी। चलिए बहुत ही बढ़िया। मुझे ये बताइए, ये बड़ा वो होता है जैसे आपने 2 साल 2.5 साल प्रिपरेशन करी है, तो मुझे पता है कि बहुत सारे ऐसे महीने दिन वीक्स होंगे जब आपको पढ़ने का मन नहीं किया होगा, तो उस टाइम पे आपने कैसे खुद को मोटिवेट किया, पुश किया कि अब मुझे पढ़ना है? मैम एक्चुअली साथ साथ में जब मैंने ये किया तो मतलब मैं साथ में और स्टडीज भी कर रही थी, मेरा एमए कंप्लीट होने के बाद मैंने 2 साल इसको दिए, लेकिन उसके बाद मैंने सोचा कि कुछ और चीजें करनी होती है साथ में, तो मैंने बीएड अभी स्टार्ट किया, मेरा बीएड, आई एम सेकंड ईयर बीएड चल रहा है मेरा। अच्छा अच्छा। तो उसके साथ साथ वो पढ़ाई भी मैं करती थी, तो एक बार होता है कि बोरियत आने लग जाती है आप कंटिन्यूअसली पढ़ते हैं, तो बस मैं सब्जेक्ट स्किप कर देती थी कि मैं 2 दिन ये नहीं पढ़ के मैं 2 दिन कुछ और पढ़ूंगी, या फिर जैसे मेरी कुछ हॉबीज हैं तो उन पे मैंने काम किया। हॉबीज करने से थोड़ा माइंड भी आपका फ्रेश हो जाता है, नहीं रिफ्रेशिंग माइंड के साथ आप कुछ करते हो तो आपको चीजें समझ में भी आती हैं, क्योंकि मेरा लंबा टाइम रहा तो मैं 2 साल में बहुत बोर भी हो गई थी। आप सही कह रहे हो, बिल्कुल ये चीजें होती हैं कि कांस्टेंट चीजें चलती हैं तो आप बोर हो जाने होने लगते हो कि सेम चीजें कितनी बार पढ़ें वो नहीं आता है, इंटरेस्ट भी नहीं आ रहा है, क्या करें। तो मैं बीच में स्किप करती रहती थी कि टाइम गैप आपको प्रॉपरली देना है कि बीच में थोड़ा टाइम कुछ और करके फिर आप वापस से पढ़ोगे तो आप एनर्जी कलेक्ट कर पा। सही बात है, बिल्कुल। नहीं बहुत अच्छा आपने बताया कि टॉपिक शिफ्ट कर ले, पढ़ना तो है ही लेकिन ये टॉपिक से बोर हो रहा है तो दूसरा टॉपिक पढ़ ले। एक चीज जो मुझे और जाननी है, प्रीवियस ईयर पेपर की जैसे भी आप बात कर रहे थे कि आपने प्रीवियस ईयर पेपर्स भी सॉल्व कर रहे थे, तो वो आपके हिसाब से कितना क्रूशियल है एग्जाम प्रिपरेशन में, और आपको क्या लगता है कि मतलब अगर कोई प्रीवियस ईयर पेपर नहीं करता है तो क्या डिफिकल्टी आ सकती है उसको? प्रीवियस ईयर पेपर में एक्चुअली क्या होता है कि जैसे हम क्वेश्चंस देखते हैं ना, तो क्वेश्चंस में आपको ये फर्क पड़ता है कि जैसे किसी एक क्वेश्चन को आप प्रॉपरली प्रिपेयर करना चाहो तो उस एक क्वेश्चन के अंदर आप 4 से 5 क्वेश्चंस आप प्रिपेयर कर सकते हो इजीली। उनका फायदा स्पेशली यही होता है कि आपकी एक क्वेश्चन के साथ कम से कम 6 क्वेश्चंस की आपकी प्रिपरेशन क्लियर हो रही है, तो अगर आप बाकी जो ऑप्शंस है उसके भी आप उसके बारे में भी आप और पढ़ते हो। जी, तो मैंने इस राइटिंग में ये मेरी मैम ने ही मुझे सजेस्ट किया कि क्या है कि आप अगर एक क्वेश्चन अगर आप कर रहे हो उसको आप अच्छे से करोगे तो आपकी साथ की चीजें भी क्लियर होती जाती हैं। तो जैसे आपने ऑप्शंस जो लिए हैं, ऑप्शंस में 4 वर्क भी आ रहे हैं तो आपके 4 वर्क अगर आपने नॉर्मल थोड़ा थोड़ा भी उसके बारे में कंटेंट पढ़ा है तो आपको एक आइडिया लग जाता है कि उस वर्क में क्या है। सही बात। एंड एक ये भी होता है ना कि आपको पेपर कैसे सॉल्व करना है, किस टाइप के क्वेश्चन पूछ रहे हैं, उसमें क्या ट्रिक है उसे सॉल्व करने की, वो भी आप साथ में समझते हैं। बिकॉज एक तो आप सिर्फ थियोरेटिकली चीजें पढ़ रहे हैं, एक है कि आप प्रीवियस ईयर, क्योंकि आपने मेरे ऑडियो सुने होंगे तो उसमें भी मैं हर
ऑथर के बाद में उसके सारे प्रीवियस ईयर पेपर्स डिस्कस करती हूँ, कौन से पेपर में कौन से क्वेश्चंस आ रहे हैं तो वो उसका करने का मकसद ही ये होता है कि आपने अगर एक ऑथर पढ़ा है उसके सारे प्रीवियस ईयर पेपर उसके बाद आपके सामने रख दिए गए हैं, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रख दिए गए, तो अब आपको पता है कि इस ऑथर को अप्रोच कैसे करना है मुझे। बिल्कुल बिल्कुल। और इस बार का आपको क्या लगा, मतलब यूजीसी नेट का पेपर का डिफिकल्टी लेवल आपको क्या लगा? इजी लगा, मॉडरेटली डिफिकल्ट लगा? आपने 3-4 अटेम्प्ट अभी तक दिए थे, तो उन अटेम्प्ट से अगर हम कंपेयर करते हैं तो क्या लेवल था? मैम एक्चुअली क्या होना, इस बार पैटर्न थोड़ा चेंज होकर आया है, तो मुझे जैसा मैं 4 साल से दे रही थी, मतलब मैंने 4 अटेम्प्ट दिए हैं पिछले, 3 अटेम्प्ट मैंने दिए, तो 3 अटेम्प्ट में ऐसा था कि इतना पॉइंट टू द पॉइंट क्वेश्चंस थे कि मतलब आपको ज्यादा डिटेल में घुसने की जरूरत नहीं थी। तो इस बार का पेपर ना मुझे लेंदी लगा, क्योंकि ऑप्शंस भी आपको 4-5 पढ़ने की जरूरत पड़ रही थी, तब जाके आप क्वेश्चन उसमें से निकाल पाओगे कि मतलब एक्चुअली करंट ऑप्शन क्या है। बिल्कुल, मुझे यही लगा कि इस बार का पेपर लेंदी था, पर टफ हो सकता था, टफ इसी वजह से हो सकता था क्योंकि आपको डिटेल में पढ़ना पड़ रहा है, तो आप डिटेल में पढ़ने के बाद में कई चीजें ऐसी थी जो सिमिलर लग रही है, तो आप कंफ्यूजन भी क्रिएट हो सकता था, तो कंफ्यूजन काफी क्रिएट हुए। कुछ क्वेश्चंस अच्छे भी थे, कुछ क्वेश्चंस डायरेक्ट पॉइंट टू द पॉइंट भी थे, वर्क्स में से भी थे, पर ऐसा मुझे सबसे ज्यादा ये लगता है कि मतलब किसी ने अगर वर्क नहीं पढ़ा हो कोई स्पेसिफिक, तो वो उसको आंसर नहीं कर पाएगा, तो वो ऐसे क्वेश्चंस में काफी डिफिकल्ट आती कि आप इतने सारे वर्क्स हैं, आप क्या चीजें करें क्या चीजें ना करें, आप क्या चीजें ना करें, चीजें आप भूल जाते हैं। मुझे ये भी थोड़ा बताएं, आपने पेपर वन पेपर टू को कैसे बैलेंस किया, मतलब पेपर वन पेपर टू की प्रिपरेशन साथ साथ कैसे करी? पेपर टू तो एक्चुअली मैं स्टार्टिंग से कर रही थी, मुझे पेपर वन में थोड़ा ज्यादा डिफिकल्ट आता था बिकॉज मैथ्स मेरा थोड़ा वीक रहा है, तो मतलब जैसे उसमें स्पेसिफिकली डिवाइडेड है क्वेश्चंस के, 5 क्वेश्चन आपको सब में से करने ही है, तो वो क्वेश्चंस होते हैं कि, तो आपकी कोचिंग मुझे इसलिए हेल्पफुल लगी कि मुझे मैथ्स में काफी हेल्प मिली उसके थ्रू, जो मैथ्स के लेक्चर्स थे और वो उसमें टू द पॉइंट था और काफी मेरे मतलब जैसे एक्सप्लेन करते हैं तो वो चीज मुझे समझ में आई वहाँ पे। मैं मुझे ज्यादा टेंशन हो जाती थी क्योंकि मैं इतना वो था नहीं, तो मैं क्या करूंगी कहाँ से करूंगी, लेकिन आपके कोर्स जब मैंने लिया तो उसमें फर्स्ट पेपर का भी आपने मैटर दिया हुआ था, तो वो मुझे काफी हेल्प किया। बाकी यूनिट साथ साथ में आप देखना चाहो तो मतलब जैसे मैंने पेपर वन को कम ही टाइम दिया है, इतना ज्यादा मैंने दिया नहीं, पेपर टू क्योंकि मुझे वहां ज्यादा टाइम लगा कवर करने में। पेपर वन ऐसा मतलब जैसे 1 मंथ भी अगर आप ठीक से दे देते हो तो फर्स्ट पेपर आप काफी इजीली कर सकते हो। कर सकते हैं बिल्कुल। और आपके हिसाब से इम्पोर्टेंट कौन सा है यूजीसी नेट के अगर एग्जाम देखे उसके अंदर, पेपर वन ज्यादा इम्पोर्टेंट है पेपर टू ज्यादा इम्पोर्टेंट है? एक्चुअली पेपर तो जैसे रिजल्ट आउटवाइज दिखाते हैं तो उन्होंने कहा है कि आपको एग्रीगेट दोनों में आपको अच्छा परफॉर्म करना जरूरी है, तो मैं यही कि मतलब बैलेंस आपको दोनों में रखना चाहिए, आप किसी एक पेपर को वो ना दें कि भाई ये वाला हम कर लेंगे, बट हाँ एज अ होल मार्क्स वाइज अगर हम देखें तो सेकंड पेपर में अगर आप अच्छा कर लेते हो तो आप एक अच्छा स्कोर अटेम्प्ट जरूर कर सकते हैं। कर सकते हैं। और टाइम कंज्यूमिंग भी सेकंड पेपर ज्यादा है फर्स्ट पेपर में, जैसे आपने बहुत अच्छा बताया कि 1 महीना भी अगर किसी ने ढंग से प्रिपरेशन कर ली तो पेपर वन तो हो जाएगा, पेपर टू को बहुत एक्सटेंसिवली पढ़ने की बहुत जरूरत है, वो चीज है। और आपने पेपर वन की प्रिपरेशन कैसे प्लान करी थी, मतलब किस तरह से आपने क्या कोई यूनिट छोड़े थे या सारे यूनिट्स करके गए थे, क्या था? मेरा मैथ्स में ही नहीं था तो स्टार्टिंग में मैं उन्हीं को ड्रॉप किया करती थी, तो मैं उतना कर पाती थी, तो मैंने यही ध्यान दिया कि फर्स्ट पेपर में मैं ज्यादातर जैसे टीचिंग एप्टीट्यूड है, रिसर्च एप्टीट्यूड है, तो ये सब चीजें मैं कवर करूँ, तो एटलीस्ट मैं स्पेशली कॉम्प्रिहेंशन का बहुत अच्छा फायदा मिल जाता है उसमें, क्योंकि जैसे इंग्लिश हम शुरुआत से पढ़ते आ रहे हैं तो कॉम्प्रिहेंशन में काफी हमें ज्यादा दिक्कत नहीं आती है, इसमें जैसा यूजुअली जैसा आता है वैसा नहीं आता है, इसमें काफी टफ आता है और डिटेल में आपको पढ़ना पड़ता है, कई बार कंफ्यूजिंग भी लगता है तो आपको समझ नहीं पाते हो कि मतलब क्या पूछना चाह रहा है, तो मैंने उस पर भी फिर थोड़ा काम करना शुरू किया उनके, ताकि एटलीस्ट 5 मार्क्स उसके हैं तो 5 मार्क्स पूरे स्कोर हो सके, कुछ लेफ्ट आउट ना बचे, उसमें से मुझे काफी मिला, जैसे इंग्लिश एंड इंडिया है उसके अंदर, सॉरी एजुकेशन एंड डेवलपमेंट पर जो है, तो वो आपके कोचिंग पे जब मैं गई तो मैंने वहां पर मुझे काफी नई चीजें मिली, मतलब इसमें ऐसा होता है कि करंट चीजें आप ज्यादा देख पा रहे हो, पुरानी चीजें ज्यादा नहीं आ रही और एजुकेशन रिलेटेड क्या चीजें ऐड हुई हैं वो सब आपको उसी में पता लगेगा, तो वो एक्चुअली करंट अफेयर के लिए काफी सारी चीजें हैं पर आपको ये नहीं पता कि आपको करना क्या चीज है, मतलब उसमें पढ़नी क्या है, पढ़ना क्या है, तो कोचिंग के थ्रू वो चीज क्लियर हो जाती है कि हाँ आपको इस लेवल पे इतना पढ़ना है। बिल्कुल बिल्कुल, नहीं बहुत राइटली सेड कि वो गाइडेंस आपको मिल जाती है, आपका टाइम वेस्ट नहीं होता है बेसिकली, क्योंकि टाइम एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कोई भी एस्पिरेंट के लिए, आप अगर एक कोचिंग ले लेते हो तो वो जो 6-7 महीने आप पैटर्न समझने के लिए लगाते वो चीज आपको कोई ऑलरेडी प्रोवाइड कर रहा है, आप डायरेक्टली पढ़ने पे जंप कर सकते हैं।
बिल्कुल। और जैसे आपने स्टार्टिंग से कहा कि आपके टीचर्स का, आपकी फैमिली का, आपके पापा का बहुत कंट्रीब्यूशन और सपोर्ट रहा है, सो कितना सिग्निफिकेंट लगता है आपको एक फैमिली का कंट्रीब्यूशन, टीचर्स का कंट्रीब्यूशन यूजीसी नेट की सक्सेस में? मैम एक्चुअली पढ़ाई करते वक्त ये होता है ना मेन कि आपको सिर्फ और सिर्फ पढ़ने पे ध्यान नहीं लगता, हर चीज मैटर करती है, आसपास के फैक्टर्स सही होते हैं, मेंटली आपका बैलेंस होना बहुत जरूरी है, काम रहना जरूरी है, सपोर्टिव मिल जाता है कहीं से तो थोड़ा आप मोटिवेटेड रहते हो, हमेशा खुश रहते हो तो पढ़ाई भी अच्छे से कर पाते हो, तो एक आसपास का अच्छा रहना बहुत जरूरी होता है। बिल्कुल बिल्कुल, उसी से ही हमें कहीं ना कहीं वो मिलता है एक, मतलब हम बहुत रिलैक्स होके पढ़ पाते हैं, नहीं तो हमारे दिमाग में कहीं ना कहीं वही सब चीजें चल रही हो। हम बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ ऐसा होता है ना, जैसे किसी की फैमिली काफी स्ट्रिक्ट है तो वो बेचारे मतलब उनके साथ ये ज्यादा हो जाता है कि उनको स्ट्रेस ज्यादा हो जाता है कि हम कैसे करेंगे, नहीं हो पाया तो हम कैसे करेंगे, फैमिली क्या कहेगी या टीचर्स हैं या आसपास के लोग हैं वो सब क्या है? ये चीज मैंने भी फेस की है क्योंकि मैं 2 साल से कंटिन्यू प्रिपेयर कर रही थी तो लोगों को लगा कि नहीं हो पाएगा, क्यों इसी में इतना गुस्से पड़े हो तुम, कुछ और ट्राई कर लो, एक ही चीज में नहीं होता है। पर मुझे यही था कि अगर आप नहीं रखोगे तो आप किसी भी चीज को नहीं कर पाओगे, अगर दूर आके बीच में उसे छोड़ देती या डिमोटिवेट होके मैं ये करती कि नहीं हो पाएगा तो छोड़ देते हैं, तो फिर वो चीज जितनी मेरी पड़ी थी वो सब चीजें मेहनत वेस्ट भी होती है और फिर दुख भी होता है कि इतना करने के बाद भी आप कुछ नहीं कर पाए, शायद थोड़ा और कर लेते तो चीजें अच्छी हो सकती थी, चीजें अच्छी हो सकती थी। नहीं बहुत 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 ही सही बोला आपने कि वो जो बोलते हैं ना कि एक कदम और हम आगे बढ़ते चले जाएं, हम ये ना सोचे कि यार इतनी दूर आ गए अभी तक तो मंजिल आई नहीं है, क्योंकि कई बार हमें मंजिल दिखती नहीं, वो हमारे सामने होती है बट दिखती नहीं है, हम थोड़ा सा और चलते हैं तो पता चलता है अरे ये तो हमने मंजिल पाई थी, तो वो चीज है। और आसपास का जो सपोर्ट मिलता है उनसे आपको इसमें इजीनेस हो जाती है कि आप ना आगे थी कि आपको सब सपोर्ट करें तो आप थोड़ा और कर सकते हो, तो बस वो जो इफेक्ट होता है कि एक थोड़ा पुश मिल जाता है कहीं से तो थोड़ा आप अच्छे से कर पाते हो, तो इस सब का ये इम्पोर्टेंस मुझे जरूर लगता है। जरूर लगता है, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही अमेजिंग चीज आपने बोली। एंड रोशन आई थिंक जितनी भी अभी तक आपने टिप्स दी है कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स को ध्यान में रखते हुए, चाहे वो ये हो कि पेपर वन को कितना ही टाइम देना है, चाहे वो ये हो कि किस तरीके से आपको पेपर टू के कौन से चीजों पे फोकस करना है, ये सारी टिप्स आई थिंक बहुत ही ज्यादा यूजफुल रहने वाली है सारे स्टूडेंट्स के लिए। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर जर्नी सो ट्रांसपेरेंटली, अपने सारे चैलेंजेस, क्या प्रॉब्लम्स फेस करी, किस तरह से आपने ओवरकम किया, वो सब बताने के लिए। आवर एंटायर टीम इज गोइंग टू बी वेरी वेरी ग्रेटफुल फॉर दिस इंटरव्यू। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट। आपकी वजह से पॉसिबल हो पाया क्योंकि मैं एक्चुअली मैं बहुत ज्यादा सैड फील कर रही थी क्योंकि 3-4 अटेम्प्ट देने के बाद में मुझे लग रहा था कि क्या कमी रह रही है, मैं क्यों नहीं कर पा रही हूँ ये चीज, तो जब मैंने प्रॉपर गाइडेंस ली तो मुझे काफी हेल्प भी मिला और आपके थ्रू सपोर्ट भी है कि ठीक है आपने सब चीजें अलग अलग की हैं, आप कैसे कर पाओगे, कितना करना है, क्या नहीं करना है, तो वो सारी चीजें आप बताया आपने तो उससे काफी हेल्प मिली मुझे, तो मैं यही चाहूंगी कि और स्टूडेंट्स एनरोल हो आपके तो उन्हें भी काफी हेल्प मिले और वो सब चीजें क्लियरली कर पाए कि क्या चीजें उन्हें करनी है, क्योंकि यहाँ पे बर्डन कम हो जाता है। सही बात है, बिल्कुल बिल्कुल, ज्यादा है स्ट्रेस बहुत ज्यादा हो जाता है कि इतना सब कुछ हम कैसे करेंगे, आपने काफी ऐसा सेग्रीगेट कर रखी है हर चीज तो उससे काफी हेल्प मिलती है लोगों को। जी जी, I'm वेरी 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 ग्लैड कि मेरे मैंने जो भी प्लेटफॉर्म बनाया है उसके माध्यम से मैं स्टूडेंट्स को गाइड कर पा रही हूँ, और आपके जैसे स्टूडेंट्स जो इतना डिटरमाइंड होके पढ़ रहे हैं उनकी प्रेपरेशन में एक योगदान दे पाती हूँ मैं। यस मैम, स्पेशली एक चीज और कि आपकी टेस्ट सीरीज भी काफी मुझे इफेक्टिव लगी, आप जो टेस्ट सीरीज साथ में देते हैं ना तो टेस्ट सीरीज से काफी हेल्प हो जाता है क्योंकि आप कंटिन्यू क्वेश्चंस पे गो थ्रू करते रहते हैं तो आपको पता लगती है कि क्या चीज कैसे है, ये है नहीं है वो है, तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि आप टेस्ट सीरीज जरूर अपग्रेड करते रखिए। बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग डेफिनेटली हर बार जब एग्जाम होता है उसके बाद में उसमें किस टाइप के क्वेश्चंस आए हैं उसको ध्यान में रखते हुए हम और नए टेस्ट हर बार ऐड करते हैं, और हम लोग अभी यूनिट वाइज और जो यू नो चैप्टर वाइज टेस्ट भी डाल रहे हैं कि अगर आपने एक यूनिट कर लिए तो आप उस यूनिट के सारे क्वेश्चंस करके देखें कि क्या ये यूनिट आपकी थरली प्रिपेयर हो गई है, क्योंकि फुल लेंथ तो स्टूडेंट तभी कर पाएगा जब उसने पूरा सिलेबस कर लिया है, बट यूनिट करने के बाद में उसको एक कॉन्फिडेंस आए यूनिट वाइज करने के बाद कि हाँ मतलब मैंने इतना सिक्योर किया है, दैट मींस अब ये यूनिट मेरे लिए फिनिश हो गई है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच रोशन, विश यू ऑल द बेस्ट, एंड अपने पेरेंट्स को सबको मेरी तरफ से कंग्रेचुलेट करिएगा। जी मैम बिल्कुल।
थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, बाय बाय, बाय.